तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा 8 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि लेवल 2 को बहाली को लेकर के आज 5 तारीख को सुनवाई थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन लिया है? तो हाई कोर्ट ने फ्रेंड्स इस मामले पर नाराजगी जताई है कि जब दोनों लेवल का पेपर एक ही एजेंसी ने करवाया है तो सिर्फ लेवल 2 को रद्द कर देना ये कहाँ का न्याय है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी तक जो SOG की जांच थी उसकी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई थी, वो जांच भी पूरी नहीं हुई थी, तो बिना किसी आधार के ही लेवल 2 की जो पेपर थे उसको रद्द कर दिया गया था। आपको भी पता है कि नीट 2021 का एग्जाम हो या इसके अलावा और अदर एग्जाम हो, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। लाखों की संख्या में अगर पेपर पहुंच भी जाता है तब भी वहां पर पेपर रद्द नहीं किया जाता है, जैसा कि रीट 2021 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज जो सुनवाई होनी थी वो कहीं ना कहीं रीट लेवल 2 के पक्ष में दिखती हुई नजर आ रही है, और लेवल 2 को जो बहाल करने की मांग थी वो अब ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। आज कोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत की अदालत ने फ्रेंड्स इस लेवल 2 को बहाल करने को लेकर के नोटिस जारी किया है SOG के खिलाफ, और बाकी जो भी शिक्षा निदेशालय है उनके लिए नोटिस जारी किया है कि आप ये सबूत इकट्ठा करके लाइए कि जांच पूरी हुई है या नहीं हुई है, किस आधार पे आपने रीट का जो पेपर है सेकेंड लेवल का वो रद्द कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये लेवल 2 के लिए एक प्लस पॉइंट है कि अब लेवल 2 को वापस से बहाल किया जा सकता है, जो कि एक सफल और ईमानदार मेहनती आदमी का हक था। लेवल 2 को बहाल किया जाना, कहीं ना कहीं 2 या 3 साल की मेहनत के बाद में ये पेपर उन्होंने दिया था, और एक अच्छा स्कोर लाने के बाद भी फ्रेंड्स उनके हाथ निराशा ही लगी है, तो उनके हक में फैसला होना बहुत जरूरी है। लेवल 2 की बहाली को लेकर के फ्रेंड्स 3 तारीख से शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा था। मैं भी वहां पर धरने में शामिल हुआ था 2 दिन के लिए, तो उस टाइम पर लग रहा था कि लेवल 2 को बहाल हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही लेवल 1 का रिजल्ट सामने आया, कट ऑफ सामने आया, तो सबको लगा कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। तो लेवल 2 का वो अभ्यर्थी जिसके 125 नंबर थे, 130 नंबर थे, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी संकोच पैदा हो गया कि यार मेरा सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है, पेपर आउट हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेवल 1 की जो कट ऑफ आई है, जैसा कि सबको लग रही है हाई कट ऑफ गई है, लेकिन फ्रेंड्स वो कट ऑफ इतनी हाई जाने ही वाली थी, क्योंकि आप इनके पीछे 2-4 कारण है कि पेपर इजी था, उसके बाद में सबको अच्छा समय मिल गया था, और पेपर देने वालों की जो संख्या है वो 2018 की तुलना में बहुत ज्यादा थी। कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा था फ्रेंड्स, लोगों ने बहुत सारा डीप में पढ़ लिया था, तो इतनी कट ऑफ तो जानी ही थी। हालांकि फ्रेंड्स लेवल 1 के अभ्यर्थी दोबारा से शहीद स्मारक पर जमा हो गए हैं, और उनकी ये मांग है कि लेवल 1 को रद्द करके इस पर CBI जांच की जाए, और जो अभी कट ऑफ आई है इसको रद्द करके पूरा पेपर रद्द करके दोबारा से करवाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर सभी ऐसा ही करवाते रहे, रद्द करवाते रहे, तो कोई सी भी वैकेंसी सफल नहीं होगी। हर पेपर में थोड़ा बहुत पेपर लीक होता ही है, और अगर अभी पेपर रद्द हो गया तो अभी जो दूसरा रीट का पेपर होने वाला है उसमें 2 पेपर होंगे, उसका क्या पैटर्न रहेगा? पैटर्न भी सरकार ने चेंज कर दिया है, तो ये सारी चीजें आपको जब सोचने में आती है फ्रेंड्स, तो लगता है कि दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। 2 से 3 साल लग करके 2021 की रीट को दिया था फ्रेंड्स वापिस से। अब ऐसा भी नहीं है कि वापिस वही चीज है जो रिवाइज करनी है, अब आपको दोबारा से नई चीजें पढ़नी पड़ेगी। लेवल 1 का जो पेपर है और 2 का जो पेपर है उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर पात्रता पेपर होगा जो जुलाई में, अभी बताया जा रहा है कि जुलाई में होगा, और जो दूसरा पेपर है उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि दूसरा पेपर कब होगा। तो अगर आप 2022 रीट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें अभी 1 से 1.5 साल लग जाएगा, आपकी जो 2 से 3 साल की मेहनत है वो बिल्कुल ही पानी में मिल जाएगी। तो इसका एक अच्छा सा ऑप्शन यही है कि ईमानदार व्यक्ति जो उसने पढ़ कर के पेपर दिया है, वो सभी अभ्यर्थियों को अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मैं फिर से शहीद स्मारक पर आप सबका साथ देने के लिए शहीद स्मारक पर जयपुर जरूर आऊंगा, और जितना हो सकेगा इस काम में मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। अपन अपने हक के लिए जरूर लड़ेंगे फ्रेंड्स। और ये सारी चीजें जो, जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम पे अपना ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है कि जस्टिस फॉर लेवल 2, ठीक है, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स शहीद स्मारक पर फ्रेंड्स संख्या कम रहती है, उस संख्या को बढ़ाने के लिए हम एक डेट फिक्स करेंगे, उस डेट पर ही आप सभी राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी है जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, लेवल 2 को बहाल करना चाहता है,
अभी वीडियो के नीचे तो आप बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करते हो कि बहाल करो, ये सही है ये गलत है, लेकिन शहीद स्मारक पे पहुंच के आपको वहां पर आपकी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। तो आप जितने भी फ्रेंड्स इसमें सहयोग करना चाहते हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पर पहले एक अलग से टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, लोगों को जोड़िए, जो टॉपर्स लोग हैं जिन्होंने एक अच्छा स्कोर लेकर के आए उनको जोड़िए, और वो जब जिला वाइज ग्रुप बन जाएगा फ्रेंड्स तो उसको एक बड़े स्तर पर एक डेट अनाउंस करके एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, तब जा करके सरकार हमारी सुनेगी और लेवल टू को बहाल करा करके रहेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और लेवल टू को बहाल कराने की जो इन्फॉर्मेशन है और रीट की जितनी भी अपडेट है फ्रेंड्स मैं आपको इस चैनल पर देते रहता हूँ। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।